Hello friends, this is Suman Foliu and welcome back to my channel, The Learning Point of Spoken Academy. Friends, in this video, I am going to teach you one advanced level chapter, which will help you to improve your English very soon. So friends, without wasting any more time, we should start the video. तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, बोल चाल की दुनिया में अक्सर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आपके बातों को मध्य नजर रखते हुए उसने आपको कुछ नहीं बोला, आपके मर्यादाओं को मध्य नजर रखते हुए मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आपके स्वास्थ्य को मध्य नजर रखते हुए आपको इलाज करवाया जा रहा है, आपका इलाज करवाया जा रहा है, वह अपने गरीबी को मध्य नजर रखते हुए अपना खर्च करता है। ये जो चार सेंटेंसेज मैंने बोले, इसमें आप एकदम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेज आ रहा है, वह फ्रेज है हमारा को मध्य नजर रखते हुए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन द वेक ऑफ क्यों मध्य नजर रखते हुए। तो फ्रेंड्स, इसको और बारीकी से समझने के लिए पहले इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको कुछ एग्जांपल के साथ देखेंगे ताकि आपको सहजता से समझ में आए और अच्छे तरीके से आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए पहले स्ट्रक्चर में देखते हैं। पहले आप लिखेंगे इन द वेक ऑफ प्लस सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस कहने का मेरा मतलब यह हो रहा है कि जिस टेंस का होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो लिखिएगा, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल जब कभी ऐसा कहना हो, किसी चीज को दिमाग में रखते हुए, मन में रखते हुए या उस पर विचार करते हुए कोई हम एक्शन लेते हैं तब करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल जब कभी आपको ऐसा कहना हो कि किसी एक्शन को लेने से पहले हम लोग विचार करते हैं या दिमाग में उसे रखते हैं तब कोई एक्शन लेते हैं तब करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि आपको और सहजता से बहुत आसान तरीके से समझ में आए कि इसका इस्तेमाल कहां करना है। चलिए पहला एग्जांपल है, वह आपके मर्यादाओं को मध्य नजर रखते हुए आपका सम्मान करता है। वह आपके मर्यादाओं को मध्य नजर रखते हुए आपका सम्मान करता है। इन द वेक ऑफ योर लिगेसी ही रेस्पेक्ट्स यू। कि आपके मर्यादाओं को मध्य नजर रखते हुए वह आपका सम्मान करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर वन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वह गरीबों को मध्य नजर रखते हुए गरीबों की मदद करता है। इन द वेक ऑफ द पुअर ही हेल्प्स द पुअर। वह गरीबों को मध्य नजर रखते हुए गरीबों की मदद करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर सेकेंड एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया हूं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं नंबर थर्ड की तरफ। मैं आपके बातों को मध्य नजर रखते हुए इसकी सम्मान करता हूं। मैं आपकी बातों को मध्य नजर रखते हुए इसकी सम्मान करता हूं। इन द वेक ऑफ योर वर्ड्स आई रेस्पेक्ट इट या आई ऑनर इट। कि मैं आपकी बातों को मध्य नजर रखते हुए इस बात को सम्मान करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर थर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर फोर, जो कि बहुत जबरदस्त है और ये हमारा लास्ट है, ठीक है। तो नंबर फोर है, वह अपना पूरा जीवन को मध्य नजर रखते हुए कुछ नया करने के प्रयास कर रहा है। वह अपना पूरा जीवन को मध्य नजर रखते हुए कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है। इन द वेक ऑफ होल लाइफ ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर फोर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा है मेरे वीडियो? अगर वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर, शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।